सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली मंच पर प्यारी बुआ का। तो बुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार और ढेर सारा प्यार हमारे तमाम श्रोताओं को भी, मंजरी बिटिया तुम्हें भी स्नेह आशीर्वाद। धन्यवाद। और बहुत लंबा चौड़ा हो गया स्वागत तो बहुत ज्यादा। देखिए स्वागत में तो ये नहीं देखा जाता, स्वागत में स्वागत किया जाता है। स्वागत किया जाता है तो मन जैसा होता है हम वैसे ही करने लगते हैं। बिल्कुल। और मन बहुत कुछ हो रहा हो लेकिन मगर मौसम इजाजत न दे तो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी चलना पड़ता है। चलना पड़ता है ना। जैसे कि मॉनसून चल रहा है तो कहीं कहीं जहां पर आ चुकी है बारिश, वहां संक्रमण का जो खतरा है, तो जाहिर है कि मन के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगानी पड़ती है। तो आज हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही बुआ, आज चर्चा करेंगे केले के फायदे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, केले के बहुत सारे फायदे हैं। और गीत मंजरी में हम कुछ बातें करेंगे। ऐसे कहते हैं कि क्या खाएंगे तो बोले कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खा कहते लेंगे। ये कुछ कहाँ बनता बता दो हमें। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बातें होंगी। जी हाँ। और अंक विलास में आज हम 9 अंक की बात करेंगे। तो भाई 9, 2, 11 कोई भी मत होइएगा, हम लोग हाजिर रहेंगे और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये अंक विलास। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है अलग अलग अंक के बारे में हम दिमागी घोड़े जो दौड़ा रहे हैं कि और क्या क्या होता है। बिल्कुल। तो वो आप भी दौड़ाते हैं बहुत अच्छे से, बखूबी। हमारे साथी ने भी बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत सारे संदेश। अकेले के बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तराखंड का भाई न्योता आ गया है। मंजरी बिटिया हाँ चलेंगे फिर। हाँ चलेंगे लेकिन पहले काम करेंगे तब चलेंगे। हाँ तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि कैसे संक्रमण की पहले बात कर ली जाए, थोड़ी एहतियात की बात कर ली जाए, क्योंकि कहीं बारिश हो गई है और ये जो मौसम है थोड़ी थोड़ी नमी वाला ना, तो ये जो कीट पतंगे ये तो आते ही हैं, कीड़ों और जो भी संक्रमण करने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनके पनपने का बहुत सही मौसम है। बिल्कुल। बड़ी संख्या में वो देखे जाते हैं और जब शाम की लाइट जलती है तो उस समय वो सीधा ट्यूबलाइट के पास अटैक करते हैं आकर के। वो वाले पतंगे ना, वो भी चींटी वाले उड़ने वाले रहते लेकिन हैं। बाकी जो संक्रमण करते हैं बीमारी तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ वो भी है लेकिन ये चींटी भी चोरी से आते हैं, चल देते हैं, काम किया और निकल लिए। बिल्कुल। और ये बुरी तरह से काटते हैं तो फफोले भी पड़ जाते हैं, तो ये फिर आपको बहुत खुजली वगैरह होती है, तो इस तरह की समस्या इन दिनों होती है। और जैसे अब दस्तक तो दे दिया है और सभी जगहों पर धीरे धीरे मानसून आ ही जा रहा है, और जहां नहीं है तो भाई वहां पर आ ही जाएगा। और जो ऐसा आपने लगा तुमने कहा अगर नहीं है तो हम बुलवा देंगे, ऐसा लगा कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो भाई हम तो प्रार्थना कर देते हैं उनके कहने पे। चलो हमें लगा तुमने कहा कि ठीक है हम कह देंगे, मंजरी बिटिया से संपर्क कर लिया जाए। नहीं हुआ जी। और ऐसे में क्या अपने घरों में जैसे हम लोग बताते हैं कि दरवाजे खिड़कियों पे आप जाली लगा लीजिए, और जाली अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप मच्छरदानी में ही सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज हम जला के मच्छर भगाने वाली चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे सांसों में भी दिक्कत होती, दूसरी तरीके की समस्या होती है। और अगर जाहिर है कि अब आप कहेंगे कि दिन में कैसे हम मच्छरदानी में बैठे, तो इसके लिए अच्छा है कि आप पूरी बांह के कपड़े पहने, पूरा कोशिश करें जहां तक हो सके अपने तन को ढक कर रखें, मुलायम कपड़े हों, सूती कपड़े हों, जो कि बाकी जो मौसम की तकलीफें हैं उससे आपको छुटकारा दिलाते रहें। और कोशिश करें कि जैसे मोजे पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। और ये वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन कीटाणुओं को भी भगाने की भी कोशिश करें, क्योंकि भाई मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी जो समस्याएं हैं वो इस वक्त बहुत तेज़ी से पनपती हैं। बुखार, कमजोरी, बदन में दर्द, गला खराब हो जाना, खांसी आना, तो ये सब अगर ज़रा भी हो रहा है, अगर शुरू हो गया है, तो जाहिर है कि फिर आप चिकित्सक को दिखाइए और बाकी परहेज भी करते रहिए। और जो बुआ घर में जो हम चाय पीते हैं तो उसमें काढ़े वाली अगर हम तो घर में ही तो पीते हैं। हाँ मतलब अच्छा। सही है आपने हुआ। बुआ आपको ये बड़ा अच्छा लगता है, जाती हो वहां के घुमा देती हमें, लगा पड़ोसी में जाके पीती हो। नहीं घर में ही बनाते हैं काढ़ा। जो जो काढ़ा बनता है उसको उसमें अदरक, तुलसी और ये सब काली मिर्च है, दालचीनी वगैरह डाल के बनाते हैं। तो उसका अगर हम इस समय थोड़ा सा ज्यादा डाल के बना के पिए तो ये चिकनगुनिया या कोई भी संक्रमण आपको लगता है वो दूर हो जाता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अच्छी तरह से जी। कहते हैं कि सुबह खाली पेट अगर 5 पत्ते तुलसा के खाते हैं तो उससे भी बहुत आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है। मजबूत रहती है और खासतौर से इस तरीके के जो संक्रमण होते हैं मौसम वाले उनसे आप बच सकते हैं। काली मिर्च का सेवन करें, अगर आपको गले में थोड़ी भी खराश है तो गार्गल करें यानी गलाला कर लें,
गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, तो इन सब चीजों से करना ही चाहिए बचाव। पानी की बात जहां तक है कि वो वाले पानी जो जमा होता है घर में आसपास, हाँ। ना जैसे अब इस समय कूलर चल रहा है, कभी कभी मौसम अच्छा हो गया एक हफ्ते नहीं चला, अब उसमें पता लगा कि मच्छरों ने तो अपना डेरा डाल लिया, तो उसमें पानी अच्छे से देख लीजिए, साफ कर दीजिए, है ना। हाँ, और इसी तरह जो आप जैसे मनी प्लांट पानी में रखते हैं इन दिनों, तो वो उसको भी बदलते रहे आप। हाँ, उसमें तो फिर भी उतनी संभावना नहीं रहती है बंजरी बिटिया, लेकिन हाँ ये जो गमलों के नीचे जो प्लेट रखते हैं हम लोग, उसमें पानी रहता है, कभी कभी गमले में भी पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। बिल्कुल, तो ये सब तो किसको देखना होगा, हम ही लोगों को देखना होगा। और देखिए वह संदेश में भी एक लिखते हैं कि मानसून का पानी या बाढ़ का पानी अक्सर पानी और खाद्य स्रोतों के दूषित होने के कारण बनता है, इसके परिणाम स्वरूप भोजन और जल जनित बीमारियां होती हैं। बाढ़ के दौरान ऐसे गंदे पानी में चलने से लेप्टोस्पायरोसिस जैसे जीवाणु संक्रमण हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब नमी होती है घरों में, हाँ। तो हमारे कपड़ों में भी कहीं ना कहीं नमी आ ही जाती है, तो उससे क्या होता है कि शरीर में फंगस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं संक्रमण जो पता नहीं चलते, सिर्फ खुजली होती है आपको, कहीं देखने में लाल चकत्ते कभी तो दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। तो आप चिकित्सक से मिलिए, सही दवा लगाइए। और हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि इसके संग संग पानी, पीने वाला जो पानी है उसका भी ख्याल रखें, ताजे भोजन पानी का सेवन करना उचित है, पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसे फिल्टर किया जाना चाहिए। आपके पास यूवी फिल्टर नहीं है तो पानी को उबाल लीजिए। भोजन से होने वाली बीमारियों और श्वसन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथ धोइए। बुखार हो विशेष रूप में से किसी ऐसी घटना के बाद जिसमें आपको पानी में से होकर गुजरना पड़ा, तो जल्द से जल्द चिकित्सक से परामर्श लीजिए। और एक गीत सुन लेते हैं पहले बुआ, अच्छा ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे जाना गले से तुम भी मिल जाओ,
ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। मछली का दिल मेरा तुम तो पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मछली का दिल मेरा तुम को पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। तो भाई बहुत सारी जो है ना एहतियात की जो बातें हैं वो हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। और मानसून तो एक उदाहरण है, दरअसल वर्ष के 6 ऋतुओं में 2 ऋतुओं के मध्य के एक मास को ऋतु संधि कहा गया है, और इस ऋतु संधि काल की दिनचर्या का अलग निर्देश है क्योंकि इस काल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फिर मानसून और ग्लोबल वार्मिंग के चलते संक्रमण का खतरा तो और अधिक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टिकोण से सावधानी हर स्तर पर आवश्यक है। मच्छर आदि की वृद्धि होती है जो संक्रामक रोग के वाहक और कारक भी होते हैं। यद्यपि सरकार इस मामले में सचेत है किंतु स्वयं को भी सचेत सतर्क रहना चाहिए। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत सही लिखी। और इस तरह एक कमेंट और है कि जिन लोगों को बीमारी होने से ज्यादा जोखिम हो है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उन्हें इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर N95 मास्क पहनना बेहतर होता है। तो भीड़ भाड़ की जगह पर न जाएं। हमारे साथी ये लिख भी रहे हैं कि बारिश बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है और संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि श्वसन तंत्र के संक्रमण की संभावना बढ़ती है, भीड़ हो जाती है ना। तो मानसून के पानी या बाढ़ के पानी से अक्सर पानी और खाद्य स्रोत दूषित हो जाते हैं। इससे आगे चलकर खाद्य और जल जनित बीमारियां होती हैं। और कीचड़ भरे पानी में चलने से, इन्होंने लिखा ही था तो बता चुकी हूं ये बात, वही ये भी लिख रहे हैं हमारे और भी साथी कि कोई भी व्यक्ति सरल उपाय अपनाकर ऐसे संक्रमणों और बीमारियों से खुद को बचा सकता है। आसपास पानी जमा न होने दे, मच्छरों के प्रजनन को रोके, इस प्रकार के कीट जनित बीमारियों को रोके। धूम्रीकरण भी एक प्रभावी तरीका है। मच्छरों के संपर्क में आने पर या घर पर भी हमेशा मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ बुआ, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप उस तरह की चीजें खाएं जैसे आप पौष्टिक चीजें खाएं, अंकुरित है, फ्रूट्स खाइए, ताजे फल सब्जियां खाइए जी। और जो बाहर के जो खाने होते हैं इन दिनों खास कर बिल्कुल ना खाएं। और जंक फूड जो होता है उससे भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, इस समय तो पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और साग आदि का सेवन तो कहते हैं, वैसे तुम कहोगे पौष्टिकता के बात, लेकिन भाई इसका सेवन करें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि इसमें धोकर करें क्योंकि इसमें भी कीड़े आदि की संभावना रहती है। तो अपनी जो पोषक तत्व है वो आप बराबर लेते रहें। खाने पीने में फल आदि लें लेकिन देर के कटे हुए फल न लें, बाजार के फल न खाएं। और एक बात और है कि अगर आपको रुचि नहीं लग रहा है, रुचि नहीं रहा है तो आप न खाएं क्योंकि जो रुचता है वही पचता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखिए। ओवर ईटिंग तो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल नहीं करनी ओवर ईटिंग। और अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है कि आप साफ सुथरे धुले कपड़े पहने और जरा से भी गीले हो मोजे तक वो भी हटा दें। हाँ बिल्कुल हटा दें। और नमी कहीं पर भी हो तो इस बात का ख्याल रखें, कपड़ों को भी अच्छी तरह से सुखा के, अपने अंग को भी अच्छी तरह से सुखा के धो पोछ कर ही कपड़े पहने। कहीं पर भी नमी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी और अगर हम इस समय अंतराल नहीं लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। जी के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बुआ आपका भी स्वागत करते हैं।
तो देखिए बात हम लोग कर रहे थे मच्छरों की भागे कि नहीं भागे सुबह सुबह जब इतनी क्रीम लगाओगे इतने धुआं करोगे जितनी उपाय हमारे साथियों ने बताया तो वो तो 9-2-11 हो ही जाएंगे ना, बिल्कुल हो ही जाएंगे, कितनी देर टिक पाएंगे बताओ। तो हम सोचते पहले एक गीत सुन लेते फिर और आगे बातें करते हैं। वाह क्या बात है। कौन आया यानी कि हम और जब श्रोता आ जाते हैं और आप आ जाते हैं तो रौनक अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल बुआ और तो पता नहीं कह रही होगी पहले कि केवल हम आ जाते हैं और श्रोता आ जाते हैं तो रौनक अपने आप आ जाती है। बुआ सामने दिखे अच्छा नहीं कहा बुआ भी आ जाती है तो भी अच्छा लगता है। बच्चों से ऐसे पूछो ना कि मम्मी अच्छी पापा, अगर पापा सामने नहीं है तो कहेंगे मम्मी अच्छी, और पापा आ गए तो फिर इधर उधर देखेगा बच्चा फिर कहेगा नहीं नहीं पापा बहुत अच्छे। देखिए हमने तो अपने सबको शामिल कर लिया हुआ क्योंकि हम दो होंगे ना तो तुम्हें शामिल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए अब हम लोग अब 9 अंक को भी तो शामिल कर लेते हैं अपनी बातों में, कर लेते हैं। हमारे साथी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। अंक 9 इकाई की अंतिम संख्या है। गिनती में एक अक्षरी शब्द 2 और 9 ही आते हैं। जब 9 का अंक जुड़वा हो जाए तो 99 के फेर में पढ़कर आदमी उसे 100 बनाने के लिए खून पसीना बहाता है, यहां तक कि इसके लिए गलत रास्ते पर भी चल पड़ता है। व्यापार में 9 नकद न 13 उधार का सिद्धांत काम करता है, अर्थात इस हाथ
पैसा दे उस हाथ माल ले, पर यह बात समझ नहीं आई कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। आजकल किसके फ्लैट में इतनी जगह है जो नौ मन तेल रख सकेगा और राधा नाचेंगी, तेल पर रपट ना जाएगी मतलब गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। और हमारे घर में बेटा बहुओं के जन्मदिन 9 तारीख वाले होते हैं, किसी की जन्मतिथि का योग 9 आता है, अकबर के दरबार में 9 रत्न होने की बात तो सभी जानते हैं। और देखिए इसी तरह एक लिखते हैं कि 9 नंबर की बात चली तो 9 ग्रहों की याद आ गई। बचपन में सभी लोग दवा इलाज की बात करते थे, बस जिसने कहा पंडित जी ने कहा तो प्रणाम किया और थोड़ा तकलीफ कहा फिर तो हम शुरू हो जाते थे, वो मतलब बताने लग जाते थे कि तुम्हारा ये राहु गलत स्थान पर बैठा है या शुक्र की दशा खराब है, इस तरह से वो सब बता के कि भाई ये तुमको कष्ट दे रहे हैं, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। और इसकी शांति करने के लिए सवा मन का अनाज जो भी कहा जाता है अंदाज है या पीला वस्त्र सवा रुपया या आपको इनको देना पड़ेगा, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं कि 9 से वो लोग क्या कर कह कह के इतनी सारी पूजा कराई जाती थी जी। तो आज भी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ तो, वैसे इन्होंने ये लिखा है कि उनकी अब बाजार बंद हो गया है क्योंकि दुकान दवाएं आ गई हैं, लेकिन हमें लगता है ये दुकान अभी भी चल रही है और सब दुकानें पहले से भी चलती रही हैं और आज भी चलती रही है। बात भरोसे की होती है और कुछ लोग विश्वास करते हैं, जाहिर है कि वो उसमें उनका असर भी करता ही होगा जरूर। तो किसी के भी दुकान और बाजार की बात पर तो हम नहीं टिप्पणी कर सकते जी। लेकिन हाँ यह है कि ग्रहों की बात जरूर होती है और 9 ग्रह की बात तो बराबर हम सब जानते ही हैं। किस तरीके से हमारी जो हमारा जो पूरा हम संचालित होते हैं कठपुतली की तरह और धागे जो हैं इन्हीं 9 ग्रहों के ही संकेत कहे जाते हैं। ये 9 ग्रह जो हैं वो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु हैं, जिनमें जो अंतिम दो हैं वो छाया ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, तो ये मुख्य ग्रह हैं और इस तरीके से ये सब हमें नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और इसी तरह एक लिखते हैं संदेश में कि विश्व के ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका एशिया महाद्वीप में पिट्टा चिड़िया पाई जाती है जिसके शरीर के पंख 9 रंग के होते हैं, आंख काली पेट संतरी पीला, पंख उसके हरा सफेद और नीला मिला हुआ होता है, पैर गुलाबी होते हैं उस चिड़िया के और सिर जो होता है ब्लैक थिन स्ट्रिप उसमें है और नाखून ब्राउन होते हैं, पेट का निचला हिस्सा लाल होता है। क्या बात है, कितनी सुंदर चिड़िया लगती होगी इसकी, बहुत 9 रंगों की। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति ने ऐसी सुंदर कल्पना कर ली बुआ की कैसी होती होगी चिड़िया। बिल्कुल कर ली कल्पना और रत्न तो हमने देखे ही हैं और हमारे साथी इसीलिए याद दिला रहे हैं कि ये भी प्राकृतिक जो है रूप में उपलब्ध है हमें, कि जिनको नवरत्न जो कहे जाते हैं, रत्न जो है वो माणिक है, मूंगा है, मोती, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य मणि जिसे लहसुनिया भी कहते हैं, ये जो होते हैं ये नवरत्न है खास तौर से। और गले की बहुत कीमती माला जब बन जाती है तो उसे नौलखा कहते हैं। और वो गीत भी हमारे साथियों को याद आ गया होगा शराबी फिल्म का, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो त्यौहार आदि में जब या खासतौर से जेवनार जब होती है तो चटनी बनती है, जो मीठी चटनी तैयार की जाती है उसमें जब मेवे डाल दिया जाता है तो उसको नवरत्न चटनी भी कहा जाता है, है ना। सही बात है। और इसी तरह एक संदेश में और लिखते हैं कि अंक विलास में 9 दिन 9 रात्रि भी 9 दिन की होती है, गुजराती मुहावरा है, न बोलवा मां नव गुण, मतलब कुछ भी नहीं बोलने में ही 9 गुण समाए होते हैं जी। लेकिन हम लोग को तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन नहीं, मतलब जब जरूरत ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। और आगे लिखते हैं गुजरात की पुरातन कालीन जगह अड़ी कड़ी वाव ने रा नवगढ़ नो कुओं, विविध भारती पर हर रोज 8 बजे प्रस्तुत हो रहा है हवा महल, भी कई सालों से साल पहले 9 बजे रात में आया करता था। तो इस तरह से इन्होंने ये बात लिखकर भेजी है। और एक बात और इन्होंने लिखी है कि गुजरात में हवा महल के बारे में लिख रहे हैं और भैंस की एक नस्ल लिखी है बड़ा प्यारा जिसका नाम है, इसका नाम है नवचंद्री हुआ करता था। तो ये भी लिख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी सी बात है, नवचंद्री नाम बड़ा प्यारा नाम। फिर एक गीत भी सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं।
तो हम लोग नौ रत्न की, नौ अंकों की बात कर रहे जी, थे। हाँ, नवरत्न तो, की तुम्हें फिर से याद आ रही है। बिल्कुल याद आ गई बुआ। और ये नवरत्न के नाम से सम्राट विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम अपने दरबार में नौ श्रेष्ठ विद्वानों, आचार्यों और कलाकारों का संयोजन किया था जी, और जिनके नाम है कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंखु, बेताल भट्ट, घटक कर्प, वराहमिहिर तथा वरुचि। और इसी तरह से उन्होंने नाम उसमें दिए थे कि इतने सारे उसमें। अकबर के दरबार की भी बात याद आ रही है। वैसे तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके से जब बात होती है तो हमारे भारतवर्ष का जिसका नाम पहले जम्बू द्वीप था, भौगोलिक विस्तार के अनुसार इसे नौ खंडों में विभाजित किया गया था। उसका नाम है उत्कल, ईशावृत, भद्रावश, नरहरि खंड, भरत खंड, केदुभाल, नाभि, किम्ब पुरुष और पंचनद। तो ये जो है पंचनद, अब समझ लो कि पंजाब की बात हो रही है। तो लगभग ये इस तरीके से भारत का जो खंड नौ में उसमें बताया गया था, और नौ दिन पुराने सौ दिन, ये सारे मुहावरे तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। और भक्ति भावना के नौ नियमों का क्रम, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सांख्य और समर्पण है। और इसे समग्र रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है। और इसी तरह अवतारों के भी नौ विशेषताएं मानी गई हैं जी, कोमलता, तापस्पन, संतोष, क्षमा, अतृष्णा, जितेंद्रिय, दानत्व, दयासुता और स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या बात है। तो इस तरीके के गुण और इन सब की भी बात की जाती है। गुणों की बात करें तो शम, दम, तप, शौच, शांति, सहजता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता है। और नौ की जब बात आती है तो नौ रस अपने आप याद आ जाते हैं। और इसमें आ जाता है, हम सब जानते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। और इनके स्थायी भाव आप सबको पता ही है, रति है, हास है, करुणा है, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो ये भी बहुत बड़ी सी बातें हैं। और अभी नवरत्नों की भी बात है, अकबर के दरबार में भी नौ रत्न होते थे जी, वो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा हुआ है। उससे पहले नौ एक अंतराल ले लें, फिर बात करें। अच्छा, अंतराल लेना। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। तो एक लिख रहे हैं कि आज नौ अंक पहले मेरी जन्मतिथि नौ है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा अंक है। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक नौ अंक का स्वामी ग्रह मंगल है। मूल मनुष्य में नौ भावनाएं होती, प्रेम, मस्ती, दुख, क्रोध, शौर, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति। क्या बात है, इतनी अच्छी सी बात लिखी है। और नौ नंबर, नौ रात्रि, नौ दुर्गा, नौ देविया, नौ नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये लगभग हमारे सभी साथियों ने लेकर भेजा है जी। हमारे साथी ये भी याद दिला रहे हैं कि माँ गर्भावस्था के नौ महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी तरह गाय माता भी नौ महीने गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देती है। वैसे गाय माता के लिए सुना था एक दो महीना और ज्यादा ही होता है, 10-11 महीने का होता है शायद, पता नहीं, हो सकता है कि जानकारी हमारी कम हो। नौ नंबर, नवरात्रि, नव दुर्गा, नौ देवियां, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, ये लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखा है। नवग्रह की भी बात की है और एक खेल की भी बात करी, खो खो एक खेल होता है जिसमें नौ खिलाड़ी होते हैं, नौ मिनट का होता है और तीन तीन करके ग्रुप भेजा जाता है, दोनों पक्ष के लोग खेलते हैं। हमारे स्कूल टाइम में इंदौर की कन्याएं बहुत अच्छा खेलती थी, छोटी छोटी भी थी और हमेशा फाइनल में वे लोग जीत जाती थी और उन लोगों को इस बात का बहुत प्राउड था। और प्राउड तो सभी को होता है, क्लास में भी दो लड़कियां अगर बराबर नंबर लाती तो कहती थी मैं फर्स्ट टाइम, तो प्राउड भी होता है। जब देश, जब एक देश मिलकर खेलते हैं तो फिर देश के लिए खेलते हैं। क्या बात है। वैसे खो खो खेल आपने बहुत अच्छा याद दिलाया और इसमें नौ लोग होते हैं। राजा अकबर के दरबार की हम बात कर रहे थे, उसमें हमारे साथी ने लेकर भेजा है बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल फजल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा थे,
अब्दुल रहीम खान खाना थे और ये जो नवरत्न थे ये इनकी शोभा बढ़ाते थे और अलग अलग क्षेत्र से थे, हम सब जानते हैं, वजीर थे वो, मुख्य सेना वाले थे, संगीतकार थे, वित्त मंत्री थे, साहित्यकार थे, कवि लेखक थे फैजी जी, शाही रसोईया थे हकीम मुकाम जी, मुल्ला दोप्याजा थे, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी कवि थे, बहुत प्रसिद्ध थे, हिंदी के कवि थे। तो इस तरीके से जो है हमारे अच्छा सा एक और दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जो सोहर की दो नौ महीने की बात आ रही है, आओ तिरिया घर अपने, आओ तिरिया घर अपने, धीरज मन धारहूं हो, आज के नवे महीना, आज के नवे महीना ललन तोरे हुई है। क्या बात। तो ये जो है ये सोहर की भी दो पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से नौ महीनों का अपना अपना महत्व है, नौ महीने का, नौ दिन का, नौ रत्नों का, नौ दरबार में नौ रत्नों का, नौ ग्रहों का, नौ रसों का। तो ऐसे नौ अंक जो है वाकई, नौ की एक और बड़ी बात है, जैसे आप दो नौ लिखते हैं तो वो उसमें मर्ज हो जाता है, नौ दो अगर आप कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या आएगा युग में बताओ, ग्यारह आएगा और फिर दो हो जाएगा, तो नौ गायब हो जाता है। और नौ का पहाड़ा बड़ा मजेदार होता है, इस गीत को सुन लेते हैं फिर बताते हैं। जी, साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हम्म,
तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे नौ अंक की, तो आप कुछ बताने वाली थी ना। अरे भाई नौ का पहाड़ा हम याद करना चाह रहे थे कि नौ दुनिया 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36, नौ पूरे 45, और इसी तरीके से फिर उल्टा चलता है। देखिए नौ की बात के बाद 18 अगर आ रहा है तो 1-8 आता है, इसका योग भी जो है वो 9 होता है। फिर 27 आता है, उसका योग भी 9 होता है। फिर 9-3-36 जो आता है, 9-3-27, 9-4-36 जो आता है उसका 6 और 3 भी 9 होता है। फिर 45 आता है, 5-4 भी 9 होता है। फिर इसी तरह से उल्टा चलता है, 54-63-72-81। क्या बात, तो ये एक पहाड़ा है। और ऐसे ही अगर हम पहाड़ा लिखते हैं तो अगर हम पहले लिख रहे हैं 9 तो उसको अगर हम 0-9 लिख दें तो भी अगर उस तरह से समझा जा सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं 18 तो फिर 9 के बाद 8 आता है, फिर 27 में 7 आता है। तो अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहला अंक जब लिखें 9-8-7-6-5-4-3-2-1 और 0 और नीचे से शुरू करिए, फिर 9 ऐसे ही लिख देंगे तो आपको पूरा पहाड़ा आप अपने आप लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 9 की जो संख्या है वो बड़ी मजेदार है, हमने बताया ना कि चमत्कारी है, जिसमें मिलती है उसमें समाहित हो जाती है, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, नहीं ये तो हो रहा है, और जो गणित है ये किसी भी हो सकता है पे नहीं जाता, प्रमाणित चीज है। लेकिन हाँ कुछ भी हम जरूर सोचते हैं कि कुछ भी बोला जा सके। हमारे साथी लिख रहे हैं कि कुछ भाई उफ बहुत अजीब सी बात है, जब कोई बोल देता है कुछ तो समझ में ही नहीं आता, अब क्या करें क्या करें। कहीं कुछ होता है तो सब सजग हो जाते हैं, कुछ दो अक्षरों से मिलकर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन समाया इसमें बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब दिलों की बात आती है तो कुछ हलचल हो जाती है, सारा समा रंगीन हो जाता है। कुछ इस तरह से जीवन में प्यार का रंग भर जाता है, कि खुद जुबा कहे ना कहे, कुछ जबां कहे ना कहे, आंखें कुछ ना कुछ कह ही देती हैं। आंखों के ये सपने
इम्तिहान के दौर से गुजरती है जिंदगी के कुछ अचानक से हो जाते हैं हादसे, कुछ अचानक से हो जाते हैं हादसे। उन हादसों में भी कहीं ना कहीं कुछ खो सा जाता है, कुछ हो सा जाता है, और जिंदगी में कुछ चीजों के तो मायने ही बदल जाते हैं। तभी तो हमें कुछ समझ में आता है कि इतना आसान नहीं होता जिंदगी के पलों को जीना। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इन रास्तों पर चलकर, और किसी को कुछ बताना पड़े तो कुछ कहानी बन ही जाती है। तन्हाई में दिल
यादें संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। यहीं से शुरू होती है कहानी के कुछ खास किरदारों की भूमिका, वो कैसी होगी। कुछ वर्तमान नहीं जानता, आज कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आने वाले वक्त में उन किरदारों के कुछ व्यवहार साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तभी तो हम कह देते हैं कि उनको कुछ हुआ है क्या। इस कुछ कुछ जानने के पीछे हमारी मंशा उनकी हंसी उड़ाने की नहीं होती, बल्कि कुछ पता तो चले कि क्या हुआ है, शायद कुछ समस्या का हल हम खोज पाएं। कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं सुनो कहो अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या ओ, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं अरे चली हवा झुकी घटा कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं कश नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई अभी तो नहीं कुछ भी नहीं यानी कि कुछ कहते सुनते रहना चाहिए, यूं गुमसुम रहना किसको अच्छा लगता है। कुछ मजबूरियां होती होंगी तभी तो कुछ लोग, या कभी तो कुछ लोग मौका नहीं देते कुछ कहने का। ऐसे में कुछ लोग खामोशी से प्यार करने लग जाते हैं तो कुछ लोग तन्हा रहने के लिए ही
बेबस हो जाते हैं। मगर इश्क के खुशनुमा नज़ारों में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। यूं तो हम सफ़र कोई नहीं बनता, कुछ ऐसा होता है, कुछ थोड़ा वैसा होता है कि दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है, फिर इन रास्तों पर कैसी मजबूरियां, कुछ कहने से बात बन भी जाती है। जब बात आती है कुछ मौसम की तो जाहिर है कि सावन के रिमझिम फुहारें भी कानों में कुछ रस घोल देती हैं, जिन्हें महसूस करके ये दिल झूम उठता है। कुछ सावन भी प्यार के पंछियों को हवा देता है, कुछ कल्पनाओं के ख्वाबों के समंदर हैं, दीवाने प्यार की कश्ती पर सवार होकर कुछ कहने को व्याकुल रहते हैं, जैसे कुछ कहता है ये सावन।
तो देखिए हम लोगों ने एक बातें कर ली, कुछ कुछ बातें कर ली और कुछ बातें रह न जाए इसलिए आगे बातें कर लेती हैं कि पके केले का जो इस्तेमाल है वो कब्ज और पेट की समस्या को दूर करता है। भाई देखो कुछ लोगों को ये उल्टा भी इसका असर करता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको कब्जियत है तो आप मतलब थोड़ा सा पका हुआ, ज्यादा पका हुआ केला खाइए, और अगर आपको पेट बांधना है तो थोड़ा टाइट रहिए, थोड़ा सा कच्चा सा केला खाइए। और ये आपकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कुछ लोगों को वो लूज मोशन कराता है, कुछ लोगों को कब्जियत करता है। और केले में अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण हार्मोन का स्तर सही रहता है और मूड भी ठीक रहता है, तनाव कम करता है। मूड ठीक रहता है? हाँ, केला नहीं मिलता तो मूड खराब जाता है मैम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, खा लेने से अच्छा होता है। यानी अगर आपको थोड़ा मन खराब हो तो आप केला खा लीजिए, ये वो खाने से। हमने अपनी बात कही, चॉकलेट खाने से अच्छा है कि आप वो खा लें, क्योंकि शरीर में जो है फैट जमा होने से रोकता है। इसके अलावा केले में काफी अच्छी मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर भी होते हैं जो पाचन को ठीक कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। और केला जो है उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं, और बाकी तो सबको पता ही कितने सारे चीजें होती है। आंखों की रोशनी भी सही रहती है, तपेदिक, पेचिश, खांसी, बुखार में भी केला लोग खाते ही हैं। बच्चे जब मैश किया हुआ खाना शुरू करते हैं तो केला ही उन्हें खिलाया जाता है। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात साझा की, जैसे हमें थोड़ा सा गाय के बारे में दिक्कत थी, नहीं था, उन्होंने बताया 9 महीने का उनका गर्भकाल होता है, गर्भकाल, और 10 महीना जो होता है भैंस का होता है। तो भाई इसी के साथ, इस जानकारी के साथ ही आज समाप्त करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम और लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।